आपके चैनल एनसीसी एग्जाम में स्वागत है। एनसीसी सैंपल पेपर 200 क्वेश्चन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। योग के प्रमुख अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि योग के प्रमुख अंग हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, किसका आदर्श वाक्य है? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पल्लव वंश की स्थापना कब और किसने की थी? 575 से 600 ईस्वी में सिंह विष्णु ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की हुई? 1526 में बाबर द्वारा। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल। शाहजहां द्वारा बनाई गई। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 ईस्वी तक उनका जीवन काल। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस विदेशी द्वारा की गई? वास्को डी गामा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? 1664 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्ला खां एवं आगा खां के द्वारा। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस। अक्टूबर 1943 में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को बंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। 1355 मीटर लंबा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1911 में। महाकालेश्वर का मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? बंगाल गजट। 27 जनवरी 1780 में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती एम फातिमा बीबी। प्रथम भारतीय विमान वाहक पोत का क्या नाम है? INS विक्रांत। प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 में। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कितना क्षेत्रफल है? 3702 वर्ग किलोमीटर। महाभारत नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? 1954 में। पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? 51,01,448 वर्ग किलोमीटर।
विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? वेंटिकन सिटी। आबादी 2016 की जनगणना के अनुसार 840 लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी। भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ है? सेवन रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली में। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका का। विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। भूतपूर्व सोवियत संघ। अप्रैल 1961 में इसने यात्रा की थी। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, 9438 किलोमीटर लंबी। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? सीनेट। भारत की गुप्तचर संस्थाओं के क्या नाम है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जेट इंजन के आविष्कारक कौन हैं? सर फ्रैंक विटेल, ब्रिटेन के, 1937 में। मशीन गन का आविष्कार किसने और कब किया? जेम्स पकले, ब्रिटेन में, 1718 में किया। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश, इंग्लैंड के। कब की थी? 1766 में। यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम लिखो। मार्टिन क्लैपरोथ, ये जर्मनी के थे, 1789 में की थी। AHQ का पूरा नाम क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। CO का पूरा नाम क्या है? कमांडिंग ऑफिसर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका का था, 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, पुर्तगाली। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका भौगोलिक उपनाम है? सिंगापुर का। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विभ्रम का जनक नशीले पदार्थ के नाम लिखिए। भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, मेस्केलिन, मारीजुआना। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? 28 अगस्त 1914 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। भ्रष्टाचार के
तीन प्रमुख कारण कौन से हैं? प्रभावी कानून की कमी, नैतिकता का पतन, भूख, गरीबी एवं बेरोजगारी। बाल शोषण के प्रमुख चार प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण, सुविधाओं का अभाव। मानव शरीर के प्रमुख भाग कौन से हैं? कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग संस्थान एवं तंत्र। एक ही है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? 500 से अधिक। मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये प्राय पांच प्रकार के होते हैं। इनके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं: ग्रहणेंद्रिय, श्वानेंद्रिय, दृष्टिन्द्रिय, स्वर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? ए, बी, ए बी और ओ। रक्त के विभिन्न अवयव कौन से हैं? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। जल के मुख्य स्रोत क्या हैं? जल के तीन मुख्य स्रोत हैं: वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल। जल शुद्धिकरण के प्रमुख चार उपाय कौन से हैं? उबालना, उबाल कर पी सकते हैं, वाटर प्यूरीफायर, कीटाणु शोधन, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर। इनके द्वारा कीटाणुओं को खत्म किया जा सकता है। टीवी किस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आंत को। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? बेरीबेरी, एनीमिया, चर्म रोग इत्यादि। जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन तक। एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? 5 से 6 लीटर शारीरिक भार का 7%। रक्त सर्वदाता समूह कौन सा होता है? ओ ग्रुप। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। हृदय की दो धड़कनों के बीच का अंतराल कितना होता है? 0.8 सेकंड। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। बुखार कितने प्रकार का होता है? मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक, गठिया रोग संबंधित ज्वर, खसरा, कनफेड़े, श्वसन संबंधी ज्वर, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू। ये सब बुखार के प्रकार हैं। अस्थिभंग के किन्हीं चार प्रकारों के नाम लिखिए: संयुक्त अस्थिभंग, बहु अस्थिभंग, विखंडित अस्थिभंग, पेंचदार अस्थिभंग। घाव कितने प्रकार के होते हैं? एक तो है चीरा घाव, वेदन घाव, कुटन घाव, विदर्न घाव, गोली का घाव, बम का घाव।
किसी पागल कुत्ते के काटने से कौन सा संक्रामक रोग होता है? रेबीज। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? जीवन रक्षा करना, अधिक चोट से बचाव, उबार को प्रोत्साहन। रेड क्रॉस किसका आधिकारिक चिन्ह है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस। लैटिन चिकित्सक शब्द QHS का हिंदी शब्द संक्षेप क्या है? रोजाना सोते समय। संक्रमण के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताओ? विषाणु जनित संक्रमण, जीवाणु जनित संक्रमण। विटामिन डी के खोजकर्ता का क्या नाम है? फ्रेडरिक हॉपकिंस। इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रजनन क्षमता में कमी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? रेने लेइनेक। क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की? मानव हृदय का प्रत्यारोपण। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है? 24। रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली दो प्रतियोगिता परीक्षाओं के नाम बताइए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, संयुक्त रक्षा सेवा CDS, जो NDA प्लस टू के बाद देते हैं, और CDS ग्रेजुएशन के बाद। रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार व व्यक्तित्व परीक्षण कौन करता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB, जो 5 दिन का होता है। NCC के सी प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? कई स्थानों पर उन्हें लिखित परीक्षा में छूट मिलती है, जिनका सी सर्टिफिकेट में ग्रेड ए और बी आती है, उन्हें इंडियन आर्मी का GD का पेपर नहीं देना पड़ता। उत्तर प्रदेश में NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। NCC की एक प्लाटून में कितने कैडेट्स होते हैं? 55 कैडेट्स। आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। तो दोस्तों, आपके सैंपल पेपर के 200 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करें। धन्यवाद।